तो रैबिट को निकाल दिया था हमने बाहर, और रैबिट जो है बैठा हुआ है इस जगह पे, दरवाजे का खुलने का इंतज़ार कर रहा है ताकि जो है मैं अंदर जाऊं और जो है अपनी खरगोशनी के साथ घूमूं। तो रैबिट को हमने यहाँ पे डाला था रात को घास, एंड देन फिर भी घास डालना है, और फीमेल का जो फीमेल रैबिट है उनको जो घास डालना था वो भी डन हो चुका है। यहाँ की सफाई करनी है वो फिर मैं बाद में करता हूँ, एंड देन फीमेल जिन्होंने बच्चे दिए हुए वो जो है अंदर ही बैठी हुई है, ठीक है। वो देखें, एक उड्डे में एक ऊपर बैठी है, और ये जो बच्चे हैं दो फीमेल, ये भी दोनों फीमेल्स हैं, और इसको निकालते हैं बाहर ही, फिर अंदर आ रहा है। तो अभी इसको साफ नहीं छोड़ना, एंड देन फीमेल का घास जो है मैंने तो ये देखें यहाँ पे डाल दिया है, और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। देन ये कल घास लेकर आया था काफ़ी सारा, और ये देखें पूरा थैला भरा हुआ है, एंड देन ये हम कुछ दिन चलाते रहेंगे, ये डक्स भी खाएंगे और बाकी चीज़ें भी। और इधर आ जाएं जो है, इधर डाल दिया है मैंने गीज के लिए दाना, रोटी नहीं थी आज तो दाने डालें, एंड देन गीज गाने भी खाती हैं, घास भी खाती हैं, रोटी भी खाती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मुगीस। अच्छा, तो ये वीडियो जो है आज गीज़ से रिलेटेड है। मैं काफ़ी टाइम से आपको कह रहा था कि गीज़ जो है क्रॉस हो रही हैं और ब्रीड करने वाली हैं, और जो है जल्दी से उनके जो है मतलब एग आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से जो है कल हमारी गीज़ ने जो है एक अंडा दे दिया। वो अंडा चल के आपको दिखाता हूँ, गीज़ को भी खोला नहीं है मैंने, पहले पानी वगैरह चेंज किया हर जगह पर। उस तरफ जो है मस्कवी को भी मैं पहले वो दिखा देता हूँ, देन मैं फिर आपको गीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरफ जो है सारे पानी नलके वगैरह खोल के मैंने जो है फ्रेश कर दिए, इधर भी डाल दिया, और इनका भी जो है सबका चोकर डाल दिया। देन सबसे पहले जो है इनको खोलते हैं, एंड ये देखें ये कल मैं घर पे नहीं था, घर में और भी कोई नहीं था, और ये मेल जो डक है हमारा मस्कवी, और ये मुर्गा जो है हमारा बड़े वाला, ये जो है आपस में लड़ते रहे, और इन्होंने जो लड़ लड़ के एक दूसरे का बुरा हाल किया। ये देखें कितना ज़ख्मी हुआ हुआ है। तो पता नहीं कभी कभी इनको क्या भूत सवार होता है, देन जो है ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, जो है ये अपना खाना पीना करते रहेंगे, हम जाते हैं उधर गीज़ को खोलते हैं, एंड देन मैं जो है आपको दिखाता हूँ गीज़, ठीक है। तो गीज़ होती हैं यहाँ पे बाथरूम में बंद, इन बेचारों की और कोई जगह नहीं है। ये देख, ये बड़ा लड़ाका है। तो ये देखें, ये काफ़ी हैवी हुई थी और क्रॉस हो रहे थे, ये देखें बाहर निकल कर इनका ये होता है। तो ये अभी जाएंगे दाना वहाँ पे डाला है मैंने, वहाँ पे कुछ दाना खाएंगे, देन फिर बाद में इनको घास डालता हूँ। ये घास खाएंगे, घास ज़्यादा शौक से खाते हैं, कभी कभी मिलता है, और बाकी जो है ये रोटी वगैरह शौक से खाती हैं, लेकिन मेरे पास जो गीज़ है इनके थोड़े नखरे हैं, तो जो है उस हिसाब से जो है ये वो करती हैं। तो अभी पहले जाके ये घास वो करेगी, एंड देन जो है इस तरह, तो मैं इनको जो है दाना दिखाता हूँ ताकि जो है दाना इधर पड़ा हुआ। अब ये आ रहा है, लेकिन वो फीमेल जो है ना उसको ज़्यादा घास खाने का शौक होता है, एंड देन जो है वो घास खाती है ज़्यादा। अच्छा, तो आज है जो है इनका जो है फर्स्ट अंडा आ चुका है, और कितना बड़ा अंडा होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये जगह मैंने बनाई थी, आपने पिछली वीडियो अगर देखी हो तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मैंने मैंने रेत डाली है, उसके ऊपर भूसा डाला है, एंड देन जो है इसका मैंने जो है साइडोमीटर रख के तो इस जगह को सफिक्स कर दिया, ताकि नीचे फर्श है तो, क्योंकि जब ये बैठती हैं तो घोंसले को ऐसे गोल करके वो चीज़ करती हैं, देन अंडे जो है नीचे रगड़ खा के टूट ना जाए, तो ये चीज़ रेत डालना या मट्टी डालना नीचे ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फर्श है। अगर इसकी पहले सी मट्टी वाला वो जगह तो उसको ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ भूसा डाल के ही काम चला सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अंडा दे दिया, अंडा कहाँ है, अंडा ढूंढते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये रहा अंडा गीज का, और माशाल्लाह से जो है फर्स्ट अंडा आ चुका है। ये देखें, कभी इसके अंडे ऐसे होते हैं मोटे मोटे और राउंड होंगे, लेकिन कभी जो है इसके अंडे होंगे वैसे लंबे लंबे और इस तरह के होते हैं। तो फर्स्ट अंडा जो है ये आ चुका है गीज का, और
जो है अब ये देखें इस दफ़ा जो है कितने अंडे देती है। पिछली दफ़ा तो इसने काफ़ी सारे अंडे दिए थे, मेरे ख्याल में मे भी 12 दिए थे और उससे पिछली दफ़ा 18 दिए थे, इसका कुछ था। एंड देन इस दफ़ा कितने देती है और वो फिर मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो पहला अंडा आ चुका है। ये गीज़ का ये होता है ना कि जब अंडा जो है दे लेती है, देन जो है ये फिर ऐसा करती है कि भूसा डाल के ऊपर अंडे को छुपा के चली जाती है, ठीक है। और अब ये अंडा यहाँ भी पड़ा रहेगा, बाद में किसी ने खाना हुआ तो खा लेंगे, लेकिन जो है ताकि फिर वो यहाँ पे अंडे देती रहे। वैसे भी वो यहीं पर देगी। गीज़ का ये नहीं होता कि जो है मस्के की तरह नेस्ट में अंडे पड़े रहें तभी कुड़ुक बैठेगी। गीज़ अगर आप अंडे उठाते हैं उसमें जब कुड़ुक होना है तो वो कुड़ुक हो जाती है मुर्गी की तरह, फिर बैठ जाती है पक्की, ठीक है। तो इसके नीचे भी मस्कवी के अंडे रखने, मस्कवी ने भी अंडे देना स्टार्ट नहीं किए, उनकी भी नेस्टिंग वगैरह मैं कंप्लीट करता हूँ, जगह को साफ़ करके प्रॉपर, एंड देन फिर वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल जो है ये इसका स्टार्ट हो चुका है। तो इसके नीचे मस्कवी के अंडे रखने हैं, मुझे वो है कि ये कड़क हो जाएगी लेकिन मस्कवी अभी अंडे नहीं दे रही, तो फिर थोड़ा रोला बनेगा, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है वो भी क्रॉस हो रही हैं वाइट मस्कवी, और इंशाल्लाह उनकी भी जल्दी से ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी, अंडे देने लग जाएंगी। देन फिर हम अपनी गीस से जो है मस्कवी के ही बच्चे निकलवाएंगे, क्योंकि गीस के नीचे काफ़ी सारे मस्कवी के अंडे आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह जो है अच्छा ही होगा रिजल्ट इस दफ़ा। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया अंडा सा जो है, ये देखें कि कितना बड़ा होता है ये अंडा। और नॉर्मल जो है मुर्गियों का या मस्कवी का भी अंडा बड़ा होता है, लेकिन इतना नहीं होता, ये बहुत बड़ा अंडा है। तो मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये कितने टाइम लगाती हैं क्रॉस होने के बाद, कितनी जल्दी जो है अंडे देना स्टार्ट करती थी। तो गीज़ जो है मैं इसको नोट कर रहा था इस दफ़ा, तो इस दफ़ा ये क्रॉस हो रहे, मतलब मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसको महीना हो चुका है कि जो है ये क्रॉस हो रही हैं, एंड देन जो है ये ब्रीड करेंगी। तो लेकिन ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते क्रॉस होते हैं, देन जो है फिर जाके इनका जो है फर्स्ट एग आता है, ठीक है। पहला अंडा इनका तब आता है इतना क्रॉस होते हैं उसके बाद। तो इतनी जल्दी नहीं होता कि जैसे होता है ना कुछ परिंदों का, या ऐसे इनका तो एक हफ्ता क्रॉस हुए तो बस दूसरे हफ्ते में अंडे आना स्टार्ट हो गए, इनका नहीं ऐसा होता। इनका जो है काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक मंथ आप कंफर्म कर लें, पक्का वो कर लें कि एक मंथ क्रॉस होना स्टार्ट हुए हैं, तो उसके एक मंथ के अंदर अंदर जो है ये अंडे देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 से 4 हफ्ते, 3 हफ्तों से ज़्यादा ही लगते हैं, 4 हफ्ते लगते हैं तकरीबन। तो फर्स्ट अंडा आ चुका है गीज़ का, तो इसको जो है हम यहाँ पे रखेंगे, एंड देन जो है इसी तरह जैसे वापस जो है वो भूसा वो करके गई है उसको छुपा देते हैं, ताकि वो छुपा जाती है, फिर खुद ही जब वापस आती है तो इसको भूसे को हटा के फिर ऊपर बैठ जाती है, एंड देन फिर और अंडे देती है। तो ये थी साड़ी वीडियो, माशाल्लाह से जो है गीज़ का फर्स्ट एग आ चुका, एंड देन साड़ी गीज़ जो हैं ये रही। तो माशाल्लाह इनका फर्स्ट अंडा आ गया, अब और कितने देंगी देन फिर मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ। रैबिट की नेक्स्ट वीडियो जो है मैं रैबिट की बनाऊंगा, उसमें रैबिट न्यूजीलैंड के जो बच्चे निकले थे वो आपको दिखाऊंगा। माशाल्लाह से 8 बच्चे एक के हैं, 9 बच्चे एक के हैं, तो टोटल हो गए 17 बच्चे, और वो कितने बड़े हो चुके हैं, उनकी ग्रोथ क्या हुई है देन फिर मैं आपको दिखाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मुझे दें इजाज़त, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।